This is CMR Institute of Technology. Welcome to the CMR Institute of Technology. One of the few institutions in the country to be accredited with an A plus grade by CMR ID Nurturing innovation and driving success by a unique maker-centric approach to learning. CMRIT. Creating future technology leaders every day. CMR Institute of Technology. Engineering and innovation for a better future and a better world. तो हेलो दोस्तों मेरा नाम है अस्तोष और आप देख रहे हैं एस अकेडमी जे तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सी एम आर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में हम यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट का पूरा फुल इन डेप्थ रिव्यू करेंगे और मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना बर्थ है या फिर नहीं है वह ये कॉलेज वर्थिड है या फिर नहीं है ठीक है दोस्तों तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए देखिए सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं कि हम लोग आपके लिए ऐसे ही कॉलेज रिव्यूज और बहुत सारे वीडियोस लाते रहेंगे तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमें सपोर्ट कीजिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों देखिए सबसे पहले मैं रिव्यू करू मैं तो अपने हिसाब से इस कॉलेज को रिव्यू कर रहा हूँ मैं तो कॉमेटिया का जो सीरीज चल रहा है उसको मैं रिव्यू कर रहा हूँ कॉमेटिक का हमारा सीरीज चल रहा है रिव्यू वाला कॉलेज रिव्यू वाला तो आपके हिसाब से अगर आपको कोई कॉलेज का रिव्यू चाहिए तो आप कमेंट डाउन कीजिएगा कमेंट में आप बताइएगा कि आपको कौन-कौन किस कॉलेज का रिव्यू चाहिए तो हम कोशिश करेंगे कि उस रिव्यू को आपके लिए लाएं ठीक है तो चलिए हम लोग इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं जैसा कि आपने शुरू में वीडियो देखा वो थोड़ा आपको कैंपस और वो कॉलेज कैसा है वो कॉलेज वाले खुद बता रहे हैं वो वीडियो के हेल्प से तो वीडियो तो आपने देख लिया तो मैं आपको एक आ, टोटली ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा ठीक है मुझे कोई कॉलेज वाले ने पैसा नहीं दिया कोई किसी ने मुझे पेड नहीं किया है ताकि मैं पेड रिव्यू कर मैं टोटली ऑनेस्ट रिव्यू करने वाला हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इसमें एडमिशन लेना है या फिर नहीं ठीक है तो हम लोग बात करने वाले हैं आज सी एम आर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि बैगलोर में है सी एम आर आई टी उसको भी बोलते हैं हम लोग तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें टॉपिक क्या क्या हम लोग कवर करेंगे सबसे पहले हम लोग क्या जैसा कि जो हमारा हमेशा टॉपिक रहता है वही कि कैंपस के बारे में सबसे पहले बात करेंगे फिर रैंकिंग फिर कोर्सेज क्या क्या इसमें मिलता है वो आपको बात करेंगे हम लोग फिर एलिजिबिलिटी ऑफ बीटेक फिर कोर्सेज अंडर बीटेक टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स क्या क्या है अवेलेबल वो बात करेंगे बेसिकली सीट मैट्रिक्स के बारे में फिर हॉस्टल के बारे में बात करेंगे फिर कट ऑफ बात करेंगे लास्ट ईयर का दो दो और दो का फिर फी के बारे में बात करेंगे कितना फ़ी आपको लगता है हॉस्टल फ़ी और एकेडमिक फी दोनों में बताऊँगा आपको तो मैं आपको एक अप्रॉक्स बता दूंगा कि इतना आपको लगने वाला है चार साल में ठीक है तो प्लेसमेंट का आपको हम लास्ट में बात करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ठीक है चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कैंपस से तो ये आपको एक आपको नॉन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जो कि यूनिवर्सिटी से है। तो ये आपको नॉन ऑटोनोमस है ऑटोनोमस और नॉन ऑटोनोमस क्या होता है तो ये आपको मैं इसके लिए वीडियो बना दूंगा कोई एक ओवरव्यू दे देता हूं कि ऑटोनोमस और नॉन ऑटोमस में क्या डिफरेंस है तो देखिए बहुत सारे बच्चे क्या प्रेफर करते हैं कि ऑटोनोमस में जाना चाहिए नॉन ऑटोनोमस में नहीं जाना चाहिए मैं भी आपको बोलूंगा कर, अगर ऑटोनोमस में जाना चाहिए नॉन ऑटोनोमस में नहीं जाना चाहिए बेसिकली क्या होता है उतना था लेकिन देखिए ये भी कॉलेज पर डिपेंड करता है ये कॉलेज कैसा है तो देखिए अगर ऑटोनोमस की बात करें तो ऑटोनोमस में क्या होता है कि वो कॉलेज वाले जो है खुद का मतलब वो सिलेबस में अपना चेंज कर सकते हैं मतलब जो पुराना सिलेबस चला आ रहा है है उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं बट नॉन ऑटोनॉमस में क्या है कि नहीं जो पुराना सिलेबस चला आ रहा है वही चला वही चलते रहेगा उसमें कोई चेंज नहीं है और फैकल्टी में भी थोड़ा डिफरेंस होता है और आपको जो अटेंडेंस होता है और जो छुट्टियां मिलती है सेमेस्टर के बाद वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है नॉन ऑटोनॉमस में तो ये थोड़ा नॉर्मल चीज़ें हैं जो डिफ़र करती है बट उतना डिफर नहीं करती है तो अगर आपको ये मैटर करता है तो यहाँ पे ये आपको नॉन ऑटोनोमस कॉलेज जता आपको ध्यान देना होगा ये आपको बैगलोर में है कर्नाटका जो कि आपको पता ही होगा ये आपको 1990 में बनी थी इसकी जो कैंपस है वो ए ट कैंपस ज़्यादा बड़ा कैंपस नहीं है बट यहाँ पर आपको सारा कुछ मिल जाता है ए और एन अप्रूव्ड है फिर इसमें आपको लाइब्रेरी मिल जाता है लाउंज मिल जाता है कैफेटेरिया मिल जाता है ऑडिटोरियम मिल जाता है प्ले ग्राउंड मिल जाता है ऑडिटोरियम इसका काफी अच्छा है देखिए के में कुछ कुछ कॉलेजेस जो है जो टॉप के ट्वेंटी टॉप के फिफ्टीन कॉलेजेस हैं उसमें आपको ऑडिटोरियम काफी अच्छा मिल जाता है ठीक है तो ये हुआ हमारा कैंपस के बारे में अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके कैंपस के पिक्चर के बारे में तो ये हमारा कैंपस का पिक्चर आपको दिख रहा होगा इसी तरह का कैंपस कुछ आपको देखने को मिलता है बस ज्यादा बड़ा कैंपस नहीं है बस इसी तरह का आपको कैंपस मिलता है देखने को और ये देख लीजिए आपको प्ले ग्राउंड है इतना इतना ही बड़ा प्ले ग्राउंड है आपको और ये आपको अकेडमिक ब्लॉक्स हैं तो उतना ज्यादा बड़ा कैंपस तो नहीं है बट आपके आप आगे देखिए तो ये आपको एक वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में आता है आपको के में मतलब बैंगलोर में ठीक है तो ये आपको वो फर्स्ट पिक्चर कैंपस का दूसरा मैं दिखाता होता हूँ ये आपको उसी तरह का पिक्चर जो है मैंने फर्स्ट दिखाया वो आपको ये वाला ये वाला पिक्चर है। फिर जब ये आप सेकंड पिक्चर देखेगा तो ये आपको वहां का ऑडिटोरियम जो है उसका है ठीक ऑडिटोरियम काफी अच्छा है यहां का? तो ये आपको ऑडिटोरियम का, का पिक्चर हो गया अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके रैंकिंग के बारे में तो सबसे तो सबसे पहले हम के तो के रैंकिंग के बारे में बात करेंगे तो इसको नैट से ग्रेड ए प्लस मिला हुआ है और बी का 2020 का एन रैंकिंग इसका 201 है मतलब जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं इंडिया में उसमें इसको 201 हंड्रेड वन रैंकिंग मिला है देखिए मैं बेसिकली मैं अपने हिसाब से जो है मैं पर्सनली एन रैंकिंग और जितने भी रैंकिंग आते हैं उस पर भरोसा नहीं करता हूँ क्योंकि देखिए एन रैंकिंग और जितने भी रैंकिंग होते हैं वो सिर्फ प्लेसमेंट या फिर कुछ पर डिपेंड नहीं करता बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है जैसे कि फैकल्टी हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया फिर कैंपस हो गया उसके प्लेसमेंट हो गया बट क्या

उतना ध्यान नहीं देता ठीक है अब बात करते हैं कोर्सेज क्या क्या इसमें आपको अवेलेबल है तो बहुत सारे यूजी और पीजी प्रोग्राम्स मिल जाता है जैसे कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग जो कि हम लोग बीटेक भी कहते हैं यहाँ पे ऑफ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीई कहा जाता है फिर एमसीए, एमटेक एमसीए लैटरल एमबीए ठीक है ये सारे कोर्सेज आपको इस कॉलेज में मिल जाता है एलिजिबिलिटी क्या है वीटेक के लिए तो आपको टेन प्लस टू पास होना चाहिए जो कि किसी भी सेंट्रल या स्टेट बोर्ड से होना चाहिए जब आपको आपको मिनिमम फोर्टी फाइव परसेंट एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए पी में एग्रीगेट मार्क्स आपको पता ही होगा कि मार्क्स यू आपने जो पाया है फिजिक्स में प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ या आपने जो तीनों सब्जेक्ट में मैथ पाया है मार्क्स पाए है उसको आप थ्री से डिवाइड कर दीजिएगा थ्री अब इसको आप हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा एग्रीगेट परसेंटेज ठीक है तो यही हुआ एग्रीगेट परसेंटेज निकालने के लिए ये आपको 45 परसेंट मिनिमम रहना चाहिए तभी आपको ये कॉलेज में एडमिशन मिलेगा बेसिकली आप कॉमेडी के लिए एलिजिबल होंगे जितने भी के कॉलेज आते हैं उसमें आपको एलिजिबिलिटी यही है ये कि आपको टेन प्लस टू पास होना चाहिए किसी भी सेंट्रल या स्टेट बोर्ड से और फोर्टी मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में इसमें आपको कॉमेडिकेके के सीई और मैनेजमेंट कोटा से भी एडमिशन मिलता है इसमें बट हम लोग मैनेजमेंट कोटा बात नहीं करेंगे तो कॉमेडिक और KCAT, के सी ई टी कॉमेडके के लिए अगर आप केरला से बाहर के बच्चे हैं तो आपको के देना होगा अगर आप केरला के बच्चे हैं तो आपको के सी ई टू से इसमें एडमिशन मिलेगा ठीक है अब हम बात कर लेते हैं कि बी के अंदर क्या क्या कोर्सेज है तो सबसे पहले कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इसमें है इनफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग जैसे आप आई भी कहते हैं सिविल इंजीनियरिंग है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग लगभग सारे ब्रांचेज जो मेन मेन कोर कोर ब्रांचेज है वो आपको मिल जाते हैं इस कॉलेज में अब बात कर हम लोग लेट मैट्रिक्स की तो देखिए सीट मैट्रिक्स इसमें जो है कंप्यूटर साइंस का वो एक सीट है और आई का एक सीट है ई का एक सीट है ठीक है तो इसमें क्या होता है कि आधा जो है आधा के सी ई वालों को होता है और आधा कॉमेडके वालों का होता है मतलब अगर के का देख लें तो 90 सीट और कॉमेडके का 90 सीट तो ये कुछ फिक्स होता है तो जो सीट आपको जिस सीट पर एडमिशन हुआ कॉमेडके का वो 90 सीट पे ही होगा तो तीनों ब्रांच में यही बाकी सारे ब्रांच में भी यही होता है बट हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं सी एस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बारे में ठीक है तो ये वो आपका सीट मैट्रिक अब हम लोग बात हैं होस्टल के बारे में तो होस्टल बहुत अच्छा है बेल्ट है बच्चे ने भी अच्छा रिव्यू दिया है हॉस्टल में हमेशा रिफ्रेशमेंट होते रहती है वहां के रिनोवेशन होते रहती है तो नया ही लगता है हमेशा और फ्रेश लगता है जो कि बॉयज बौ, और गर्ल्स दोनों के लिए है जो कि सिंगल या डबल शेयरिंग मिल जाता है आपको फिर आपको ट्वेंटी फोर इंटू सेवन बाईफ मिल जाता है उसमें मेस मिल जाता है और डाइनिंग रूम मिल जाता है ये आपको कुछ पिक्चर्स है हॉस्टल के ये बेड है आपको ये रूम है सिंगल शेयरिंग वाला फिर आपको प्ले बच्चे फ्री टाइम में खेल रहे हैं वो है फिर आपको ये क्लास है तो ऐसा कुछ आपको मिल जाता है ये आपको डाइनिंग रूम है तो ऐसा कुछ आपको ये पिक्चर आप देख पा रहे हैं कैसा मिलता है ठीक है तो ये हुआ गर्ल्स हॉस्टल ये सब दिखाया गया तो अब हम बात कर लेते हैं इसके कट ऑफ के बारे में तो कट ऑफ पर आप ध्यान दीजिएगा तो दो से पहले हम बात कर लेते हैं तो दो में कंप्यूटर साइंस का गया था क्लोजिंग रैंक में बात कर रहा हैं राउंड टू का क्लोजिंग रैंक जो गया था ठीक है मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक कितना तक चला गया था वो उसके हिसाब से आप क्लियर अपना जो है अपना एस्टिमेट लगा पाएंगे कि आपका रैंक इस बार क्या है तो आपको इसमें कौन सा ब्रांच मिल रहा है देखिए कंप्यूटर साइंस और हम लोग आई सी एस और ए सी की बात करेंगे तो कंप्यूटर साइंस का बारह हज़ार एक सौ इक्कीस चला गया था लास्ट ईयर मतलब लास्ट ईयर आई मीन दो हज़ार अठारह में तो क्योंकि दो हजार हम लोग बात कर रहे हैं तो बारह चला गया था कंप्यूटर साइंस का इंफॉर्मेशन साइंस का बात करें तो पंद्रह हजार चार सौ बारह गया था और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का चौतीस हजार सौ बावन तो अगर दो हज़ार अठारह के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो अगर आपका अंडर टेन थाउजेंड भी आया है कंप्यूटर में तो कंप्यूटर साइंस राउंड टू तक इस बार तो राउंड राउंड होने वाला है तो आपको मिल जाएगा आईसी आई की बात करें तो अंडर फिफ्टीन थाउजेंड आपको मिल जाएगा ई का थर्टी थाउजेंड का भी अंडर में मिल जाएगा आपको दो हजार उन्नीस के बाद कर लेते हैं तो दो हज़ार उन्नीस का कंप्यूटर साइंस का दस हज़ार एक सौ पच्चीस गया था तो यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ा कट uh, ऑफ में थोड़ा डिफरेंस आया दो हजार का लगभग डिफरेंस आया यहाँ पे अब आई एस सी का कट ऑफ जो है वहाँ पे नहीं दिखाया गया था विजिबल नहीं था तो मुझे नहीं मिला अब ई सी का जो है उनतीस हजार नौ सौ छः था तो दो हज़ार अठारह के अकॉर्डिंग दो हज़ार उन्नीस में जो है वो कट ऑफ थोड़ा नीचे रहा ठीक है उतना ज़्यादा नीचे तक मतलब थोड़ा ऊपर रहा उतना ज़्यादा नीचे तक नहीं गया ठीक है तो यह हुआ हमारा कट ऑफ का सीन ऐसा कुछ है कट ऑफ का सीन तो आई होप आपका जो है एस्टिमेट आपने लगा लिया होगा कि आपको कौन सा ब्रांच मिलेगा इसमें बाकी अब सारे ब्रांचेज का भी उसका तो इससे तो और नीचे ही रहेगा तो ये मेन तीन ब्रांचेज होते हैं किसी भी कॉलेजेस के इंजीनियरिंग कॉलेजेस के तो मैंने उसके बारे में बताया आपको देखिए फी के बारे में बात कर लेते हैं अकेडमिक फ़ी के बारे में सबसे पहले तो इसका साइट पे अगर आप जाइएगा तो फ़ी नहीं मिल पाएगा मुझे भी नहीं मिला तो मैंने कांटेक्ट किया तो पर्सनली मुझे एक उधर से फ़ोन आया शायद uh, फैकल्टी थे या फिर कुछ थे वहाँ के काउंसिलर वगैरह जो भी हो उनसे मैंने फी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया एकेडमिक फी यहाँ पे अगर आप कर्नाटका से बाहर के हैं मतलब कॉमेडी के, के बच्चे हैं तो आपको टू लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पर ईयर पड़ जाएगा एकेडमिक फी सिर्फ है ये ठीक है तो टू लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड आपको पर ईयर एकेडमिक फीस में पड़ जाएगा अगर आप इसमें एडमिशन ले रहे हैं तो और हॉस्टल फी के बारे में मैंने पूछा तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि अप्रॉक्स वन लाख पर ईयर मतलब अगर ये बताया उन्होंने मैक्सिमम जो आप मतलब सिंगल शेयरिंग लेते हैं ए के साथ सारा कुछ जो है आप मैक्सिमम फैसिलिटी के साथ लेते हैं ठीक है तो आपको वन लाख पर ही है तो अगर हम एकेडमिक फी और हॉस्टल फी दोनों को मिलाएं, तो आपको लगभग थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड मान लीजिए थ्री लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड था बट हम मान लेते हैं थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड आपको यहाँ पे पड़ जाएगा ठीक है ये यह आपको यहाँ पे पड़ जाएगा आ, वन ईयर का तो अब इसे भी हम लोग और बढ़ाए थे तो मान लीजिए चार लाख तो चार लाख पर ईयर मतलब सोलह लाख आपको आ, मान के चलिएगा कि इसमें आपको खर्चा हो जाएगा ठीक है वैसे आप अपना खुद से यहाँ पे कम कर सकते हैं खर्च को मैंने मैक्सिमम लिया है तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दस हज़ार बढ़ा दिया फिर दस हज़ार मैंने एक्स्ट्रा और बढ़ा दिया तो बीस हजार मैं एक्स्ट्रा लेकर चल रहा हूं तो यहाँ पे हो सकता है अब मान लीजिए यहाँ पे देखिए हॉस्टल मैंने मैक्सिमम जो सिंगल शेयरिंग हो ए सी के साथ मैंने लिया अब यहाँ मान लीजिए आप इससे कम कर लेते हैं तो उसमें वो कम पड़ेगा जैसे अस्सी हज़ार पचहत्तर हज़ार ऐसे पड़ेगा तो वो थोड़ा डिफेंस होता है बट इसके अलावा अराउंड uh, हम लोग लेके चलेंगे कि हाँ इतना मेरा खर्चा हो सकता है ठीक है तो इससे आपको एस्टिमेट लग जाएगा कि कितना खर्चा अराउंड होने वाला है आपका चार साल में अब हम लोग बात कर लेते हैं प्लेसमेंट के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो प्लेसमेंट देखिए सबसे पहले मैं बतायाता हूँ कि हाईएस्ट पैकेज जो गया था 2020 मतलब दो हजार दो हज़ार बीस मतलब जो बैच गया दो हज़ार उन्नीस का दो हजार उन्नीस दो हजार बीस का ठीक है जो इस बार प्लेसमेंट हुआ उसका तो ये मैंने साइड से लिया है तो हाईएस्ट पैकेज जो गया था वो इलेवन पॉइंट सेवन पर एन गया था इलेवन पॉइंट सेवन सिक्स पर एन हाईएस्ट पैकेज पैक तो उतना ज्यादा नहीं है बट इसका अगर हम लोग एवरेज पैकेज देखें तो एवरेज पैकेज 4.87 लाख एट पर एन है और ये सारा ब्रांचेस को मिलाकर है सारे जितने भी बीटेक में जितने भी ब्रांचेस हैं कंप्यूटर साइंस हो गया इंफॉर्मेशन साइंस हो गया इलेक्ट्रिकल हो गया सिविल हो गया मैकेनिकल हो गया सारों को मिला सा, मिलाकर ये एवरेज पैकेज निकाला गया जो सारे में प्लेसमेंट हुआ उनका एवरेज है ये अगर हम लोग कंप्यूटर साइंस का देखें तो वो आता है फाइव टू सिक्स लैक्स पर एन तो एवरेज पैकेज काफ़ी अच्छा है ठीक है और जो कंप्यूटर साइंस अगर आपको इसमें मिल रहा है तो काफ़ी बेहतर है अब मैं आगे बताऊंगा कि आपको ये कॉलेज लेना है यानी किस किस सिनारियों में लेना है ठीक है तो ये हुआ हमारा एवरेज पैकेज और हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे कुछ स्टैट्स भी दिखाया गया था, था, था। तो देखिए यहाँ पे ऑरेंज वाला जो है वो हाईएस्ट सीटीसी है और एवरेज जो है वो ब्लू वाला है तो, दोहरा, दोहरा 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 तो दो हजार सोलह दो हजार सत्रह दो अठारह दो हज़ार बीस दो हज़ार बीस से हम लोग कंपेयर करें दो हज़ार बीस को तो दो में हाईएस्ट पैकेज गया था एटीन लाख पर एन जो कि मैक्स अभी तक का सबसे बेस्ट है इसका और 2020 में 11.76 पॉइंट सेवन पर एन गया तो यहाँ पे हाइस्ट पैकेज जो है वो थोड़ा घटा है और जो एवरेज पैकेज है वो अराउंड ही रहा है तो एवरेज पैकेज आप देख सकते हैं तो 4.84 था लास्ट ईयर दो में बट इस ईयर जो है वो 4.87 रहा तो एवरेज पैकेज ये कॉलेज काफी अच्छा मेंटेन कर रही है यहाँ पे अगर आप देखेंगे शुरू से भी तो दो हजार सोलह में भले कम है बट यहाँ से दो हज़ार सत्रह से आप देखिएगा तो ये लगभग फाइव लाख के अराउंड में है तो ये मेंटेन अच्छा से कर लेती है एवरेज पैकेज तो ये है आपको मैंने दिखा दिया आपको मैं कुछ और स्टेट्स दिखाता हूँ कि कितने कंपनीज़ यहाँ विजिटेड विजिट किए थे लास्ट ईयर तो दो हज़ार बीस में यहाँ पे सेवेंटी टू कंपनीज़ आए थे दो हज़ार उन्नीस की बात करें तो एक सौ आठ तो कंपनीज यहाँ पे जो है दो हज़ार उन्नीस के कंपेयर में घटा है यहाँ पे दो हज़ार उन्नीस में तो एक सौ आठ आए थे कंपनीज इस बार जो है सेवनटी टू तो कंपनीज़ ही आए यहाँ पे अभी तक का जो है सबसे कम दो हज़ार सोलह में आया था सिक्सटी थ्री सिक्सटी फोर इस बार जो है सेवेंटी टू आए उसके बाद 2018 में 106 सौ में 83 तो दो में 108 सबसे बेस्ट आया था दो हज़ार में तो इस बार थोड़ा कंपनी कम आया है तो वो हो सकता है पैंडमिक के कारण जो भी हुआ तो कंपनी कम आया है फिर भी यहाँ पे इस कॉलेज ने अच्छे प्लेसमेंट को बरकरार रखा अपना ठीक है अब नंबर ऑफ ऑफर्स कितने मिले यहाँ पे 72 टू कंपनीज आई उसमें आपको फोर ऑफर मिले दो में अब दो की बात करें तो सात सात ऑफर मिले थे तो ऑफ़र भी काफ़ी अच्छे हैं और सीट भी सिर्फ मान लीजिए अगर हम लोग कंप्यूटर साइंस का बात करें तो सब कंप्यूटर साइंस का सिर्फ 180 सीट है तो इसमें से 428 ऑफर मिला तो इसमें से लगभग यहाँ पे ये वहाँ पे बताया गया है कि ८५ ८० २५ टू एटी परसेंट बच्चे जो है वो कंप्यूटर साइंस के वो प्लेसड हो जाते हैं तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट रिकॉर्ड है तो ये हुआ हमारा कुछ स्टैट्स अब देखिए बात कर लेते हैं कौन कौन कंपनी आते हैं तो ये, ये, ये इतने सारे कंपनी आते हैं जैसे कि मैन मैन कंपनीज हो गया अमेज़न हो गया फिर कोकनीजेंट हो गया फिर आपको फ्लिपकार्ट हो गया आई हो गया इन्फोसिस हो गया फिर आपको विप्रो हो गया एक्सेंचर हो गया एच हो गई इन सारे कंपनी जो है वहाँ पर आप देख सकते हैं ये आती है ठीक है तो ये हमारा हुआ प्लेसमेंट का प्लेसमेंट का आप देख सकते हैं प्लेसमेंट सेल क्या होता है देखिए किसी भी कॉलेज में अगर प्लेसमेंट सेल है तो वहां का आप सोलह चले जाए जा कि प्लेसमेंट काफी अच्छा वहां पे आपको मिलने वाला है मतलब लगभग सारे बच्चे प्लेस हो जाते हैं क्योंकि देखिए प्लेसमेंट सेल क्या करती है कि उनका काम ही होता है कि कंपनीज को बुलाना अपने कॉलेज में अब बहुत सारे कॉलेज का क्या होता है कि उसमें क्यों प्लेसमेंट सेल नहीं होते हैं तो उसमें आपको कंपनीज खुद से आती है बट जिस कॉलेज में प्लेसमेंट सेल होता है वहाँ पे प्लेसमेंट सेल कंपनीज को बुलाती है अपने कॉलेज में तो वो कुछ ऐसा ऐसा मतलब उसके सामने रखती है स्टैट्स उसके सामने ऐसे कुछ डेटा रखते हैं प्लेसमेंट सेल वाले कंपनीज के सामने कि कंपनीज आते हैं तो अच्छे अच्छे ऐसे बहुत सारे कॉलेज में देखा गया जिसमें प्लेसमेंट सेल होती है उसमें अच्छे अच्छे कंपनीज आते हैं जैसे इसमें भी आपने देखा अमेजान विप्रो एच और सारे कंपनीज जो है वो आते हैं तो अब मैं बताता हूँ कि प्लेसमेंट और सारे फैसिलिटी कैंपस वगैरह को देख के चले तो देखिए अगर आपको प्रायोरिटी है कि नहीं मुझे कैंपस लाइफ इन्जॉय करना है कैंपस मुझे बड़ा चाहिए बड़े बड़े फेस्ट देखना है मुझे बड़े बड़े फेस्ट में पार्टिसिपेट करना है और इन्जॉय करना है चार साल तो देखिए इसमें उतना ज़्यादा आपको इन्जॉयमेंट नहीं मिल पाएगी उतना ज़्यादा बड़ा बड़ा फेस्ट इसमें नहीं होता है उतना ज़्यादा बड़ा इसका कैंपस नहीं है बट अगर आपका प्रायोरिटी है आप मान लीजिए कि हम लोग प्राइवेट कॉलेज में कब जाते हैं जब हमारा कोई ऑप्शन नहीं बचता है जब हमारा कोई सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज का ऑप्शन बचता है जब हमारा किसी मान लीजिए मेन्स और एडवांस में अच्छा मार्क्स नहीं आता है तो देखिए अगर आपका प्रायोरिटी है कि नहीं मुझे अब अच्छे कॉलेज में जाके कम से कम उसमें अब मुझे अच्छा प्लेसमेंट लेना है चार साल के बाद निकलूँ अगर तो अच्छे जगह पर रहूँ तो वो अगर आपको प्रायोरिटी है तो आप इस कॉलेज में जा सकते हैं यहाँ पर पढ़ाई काफ़ी अच्छा है फैकल्टी भी मैंने देखा तो सारे लगभग पी किए हुए हैं और सारे कुछ कुछ तो हैं आई बॉम्बे से भी हैं जैसे सी एस के एक फैकल्टी थे वो तो उन्होंने उनका मैंने देखा तो वो आई बॉम्बे के थे तो ऐसा है यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छा है प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा है बट यहाँ पे कैंपस लाइफ आपको उतना अच्छा नहीं देखने को मिलेगा थोड़ा नॉर्मल ही है जैसे स्कूल लाइफ है ना नॉर्मल फेस्ट वगैरह होगी नॉर्मल गेम्स वगैरह हो बट यहाँ पे होगी बट बहुत छोटा कैंपस है एट एकर्स का ही है मात्र तो ऐसा हुआ अब ये आपको जो है पढ़ाई के बेसिस पे काफ़ी अच्छा कॉलेज है तो अगर आपको आ, ये है कि मुझे अच्छा प्लेसमेंट निकालना है और अच्छे कॉलेज अच्छे कंपनी में जाने अच्छी जॉब लेनी है तो आप इस कॉलेज में जरूर जाइए और मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि इस कॉलेज में आपको जाना चाहिए बर्थ इड कॉलेज है जरूर कॉलेज बर्थिड है क्योंकि हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए चार साल के बाद हम निकलते हैं तो कहाँ रहते हैं वो चीज़ कि हमें अच्छा कंपनी मिलनी चाहिए हमें अच्छी जॉब मिलना चाहिए हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी ये नहीं रहना चाहिए कि हम चार साल एंजॉय करें चार साल अच्छे कैंपस में रहे अच्छे एंजॉय करें हाँ वो होना चाहिए एक जगह पर बट सबसे पहला जो रहना चाहिए वो हमारा जॉब रहना चाहिए ठीक है तो जॉब के बेसिस पर यह काफ़ी अच्छा आपको कॉलेज है या वन ऑफ़ द बेस्ट कॉलेज में आएगा आपको देख सकते हैं रैंकिंग तो ये हुआ ठीक है तो इस कॉलेज में आपको जाना चाहिए कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपका कमेंट के में ये कॉलेज मिल रहा है तो इस कॉलेज में आना चाहिए इससे और भी अच्छे अच्छे कॉलेज हैं तो उसके बारे में रिव्यू करूंगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको किस कॉलेज का रिव्यू चाहिए ठीक है दोस्तों तो बस आई होप आपका सारा डाउट जो है इस कॉलेज को लेकर क्लियर हो गया होगा तो मैंने यहां पर आपको सारा कुछ जो है डिटेल में बता दिया तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा अगर आपको पसंद आएगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं किसी और वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग